नमस्ते, मैं रघुपट। इस कार्यक्रम में सबको आत्मीय स्वागत। आचार्य जी, आप उत्तर भारत के होके इधर कर्नाटक में कैसा पतंजलि का प्रमुख बने, उसका कोई विरोध नहीं किया? हाँ देखो, एक तो मेरा सौभाग्य है कि मैं प्रथम व्यक्ति था जो कर्नाटक से प्रतिनिधि बन के हरिद्वार गया। और वहां पर क्योंकि हमारे यहाँ पहले लोग सोचते थे कि भाई योग मतलब हिमालय, योग सीखने के लिए हमको हिमालय जाना पड़ता है, हिमालय में बहुत बड़े तपस्वी रहते हैं, तपस्या करना पड़ता है। तो इस कारण से पहली बात तो कर्नाटक से बहुत कम लोग गए। पूर्व जन्म का संस्कार भी होता है, हमारे परिवार जो है वो शिव भक्त है, हमारी जो परंपरा है, और यहाँ मुझे भी इस बेल्ट में ज्यादा शिव भक्त लोग लगे तो उनका मेरा संपर्क रहा। मगर जब जिला प्रभारी की बात आई तो क्योंकि मैं प्रथम आदमी था और कोई जिले से गए नहीं थे तो हमें रायचूर जिला प्रभारी तो बना दिया। मगर आगे कर्नाटक में विस्तार करने के लिए स्थानीय दो तीन लोगों को नियुक्त किया गया, मगर उन्होंने प्रवास नहीं किया और कम प्रवास करने से ज्यादा उसका विस्तार हो नहीं पाया। दो तीन बार ऐसी बात आई, बेंगलोर में एक पूरे प्रांत की मीटिंग हुई, हम सबको पूछा गया कि आप कितना समय दे सकते हैं, तो सबने बोला मैं संडे सैटरडे दे सकता हूँ, किसी ने बोला महीने में एक वीक दे सकता हूँ। जब मेरी बारी आई तो मैंने सीधा बोला था तन मन धन और जीवन इस मिशन के लिए मेरा समर्पित है। मगर इसके बावजूद भी उस मीटिंग में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। यहाँ स्थानीय अपने बेंगलोर के ही एक युवा साथी थे प्रदीप, उनको राज्य प्रभारी बनाया गया। इसके लिए कारण यही, प्रदीप एक्चुअली संगठन में बहुत नए थे, उन्होंने कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम भी अटेंड नहीं किया था, मगर कारण एक ही था कि भाई आप उत्तर भारत से हो और हमें यहाँ लोकल से व्यक्ति को ही हमें नियुक्त करना है, तो इसलिए उसमें मेरी नियुक्ति नहीं हो। इसके बाद में फिर मैसूर के सुत्तूर मठ में, एक सुत्तूर मठ का यात्रा बहुत बड़ा होता है, तो यात्रा महोत्सव में बाबा रामदेव जी को अतिथि बोल करके उनको आमंत्रित किया गया था हमारे सुत्तूर मठ के परम पूज्य देशी केंद्र महास्वामी जी ने। तो बाबा जी आए, लाखों लाखों लोगों का भीड़ था, बाबा जी ने प्रवचन शुरू किया, 5-10 मिनट हो गया कोई प्रतिक्रिया नहीं आया। स्वामी जी ने मेरी तरफ देखा, बोले क्या प्रतिक्रिया नहीं कर रहे, क्या बात है? मैं बोला ये नंजनगढ़ से लेके आसपास में जो विलेजेस है, ग्रामीण लोग आए हैं और उनको हिंदी बाबा जी एक शब्द भी नहीं आता है। तो उस समय वो राज्य प्रभारी हमारे प्रदीप जी थे, उनको बाबा जी ने बुलाया कि तुम अनुवाद करो, मेरा भाषण को हिंदी से कन्नड़ में अनुवाद करो। तो प्रदीप जी बोले मैं तो नहीं कर पाऊंगा। फिर मेरे तरफ देखा, भंवरलाल तुम कर लोगे? तो मैंने बोला गुरुजी हाँ मैं कर लूंगा। तो उस समय उन्होंने लगभग 48 मिनट हिंदी में, 48 मिनट तक उन्होंने वो प्रवचन दिया और इमीडिएट जैसे वो हिंदी बोलते थे मैंने कन्नड़ में अनुवाद कर दिया। तो पहले लाइन में ही तालियों की गड़गड़ाहट बज गई और बाबा जी खुश हो गए और पूरे भाषण में पूरे साधु संतों ने और पूरे ग्रामीण लोगों ने पूरा आनंद लिया। स्वामी जी के एक एक शब्द को लोगों ने समझा और उनकी प्रतिक्रिया भी बहुत अद्भुत थी। उस कार्यक्रम के बीच में स्वामी जी बोल रहे थे, बीच में कुमार स्वामी जी आ गए, तो मैं अनुवाद करते करते भी एक चिट्ठी में लिख के दिया कि ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी देवेगौड़ा जी के सुपुत्र है और ये मुख्यमंत्री है कुमार स्वामी जी। तो स्वामी जी ने बोला कि वेद के ऊपर जो मंच पर जो बैठे हैं ये सब अध्यात्म के स्वामी हैं और अभी जो आया है वो राजनीति का स्वामी है, कुमार स्वामी। सब हंस गए, वो एक वाक्य मुझे अभी भी याद है, सब लोग हंस गए। वो कार्यक्रम बहुत यशस्वी रहा, स्वामी जी बहुत प्रसन्न हुए। उसके दूसरे दिन हमारी प्रांतीय मीटिंग हुई तो स्वामी जी ने बोला कि भाई यहाँ आप लोग विरोध कर रहे थे कि भाई ये उत्तर भारत का आदमी है, इसको प्रांत की जिम्मेदारी नहीं देना है और आप स्थानीय हैं, यहीं जन्मे हैं, आपने यहीं पढ़ाई की है, आपकी मातृभाषा कन्नड़ है, मगर संगठन में आप वरिष्ठ है, फिर भी आप लोगों ने अनुवाद नहीं किया और उत्तर भारत से आके इसने कन्नड़ में सीख करके इतने साधु संतों के साथ
इसका इतना अनन्य संबंध है और इतना अच्छा कन्नड़ बोला, तो भाई अब विरोध करना गलत है, इनको हम प्रांत प्रभारी बना रहे हैं। तो सुत्तूर मठ के पूज्य श्री जी के दिव्य सन्निधि में मुझे कर्नाटक का राज्य प्रभारी का जिम्मेदारी मिला और उसके बाद मैं कर्नाटक के बीदर, कलबुर्गी, यादगिरी, रायचूर, बेल्लारी, उसके बाद ये न्यू अभी बन गया जिला विजयनगर, कोप्पड़, गदग, उसके बाद बागलकोटे, विजयपुर, उसके बाद बेलगावी, हुबली धारवाड़, उत्तर कन्नड़ा, उसके बाद हावेरी, दावणगेरे, चित्रदुर्गा, शिवमोगा के बाद उडुपी और दक्षिण कन्नड़ा मंगलोर, उसके बाद अपना हासन, चिकमगलोर, उसके बाद तुमकुर, मंडिया, मैसूर, चामराजनगर, कोलार, चिकबल्लापुर और उसके बाद रामनगर, बेंगलोर और बेंगलोर ग्रामन। ये मैं नाम क्यों बोल रहा हूँ, मेरे ब्रेन में पूरा मैप है क्योंकि मैंने कई कई बार ये जिलों का टूर किया है, तालुका का टूर किया है, ग्रामीण भाग का टूर किया है, तो इसलिए सारे नाम मुझे याद है। एक मैं इंसिडेंट बताता हूँ, जी कनाडा के कार्यक्रम में मैं गया तो अनुश्री वहां की वो एंकर है, उसने बोला पतंजलि से भंवरलाल आर्य आए हैं, वो कन्नड़ में बोला कि वो हिंदी में बात करेंगे, आप लोग थोड़ा सहयोग करें। और मैंने वो ऑडिटोरियम में पूछा कि आप इतने लोग हैं, पूरे कर्नाटक के 30 जिले, अभी 31 है 31, उस समय 30 थे, 30 जिलों में कौन कौन प्रवास किया है, तो पूरे ऑडिटोरियम में कोई आदमी हाथ खड़ा नहीं किया। हमारा जो सारथी है वीरेश, उसने हाथ खड़ा किया, बोले मैंने किया क्योंकि वो मेरे साथ रहता है। तो उसके बाद पूरे कर्नाटक का लगभग हमने 17-18 लाख किलोमीटर बाई रोड मैंने ट्रैवल किया, सभी डिस्ट्रिक्ट, सभी तालुका, सभी ग्रामीण भाग में पतंजलि का हमने संगठन बनाया, 10,000 योग टीचर को हमने ट्रेनिंग दिया। आज पूरे कर्नाटक में लगभग 1200 योगा सेंटर्स फ्री, किसी से कोई शुल्क नहीं लेते, निशुल्क कर्नाटक के गांव-गांव में हमारी योग की कक्षाएं चल रही है।